किंग्स इलेवन पंजाब के कप्तान रविचंद्रन अश्विन के मांकड़िंग विवाद से एक और नया विवाद जुड़ गया है। इंग्लैंड के दिग्गज तेज गेंदबाज जेम्स एंडरसन ने भारतीय खिलाड़ी के साथ जो किया उसके बाद वो क्रिकेट फैंस के निशाने पर है। दरअसल अश्विन के मांकड़िंग विवाद पर जब एंडरसन से उनकी राय पूछी गई तो उन्होंने एक बेहद शर्मनाक हरकत कर दी। उस वक्त एंडरसन के हाथों में अश्विन की एक फोटो थी जिसे वो एक छोटे से कटर मशीन में डालते हैं और पूरी तस्वीर कई टुकड़ों में बट जाती है। ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। एंडरसन ने अश्विन की फोटो को किसी गाजर मूली की तरह काट दिया। वीडियो में किसी शख्स की आवाज भी सुनाई दे रही है जो कह रहा है कि एंडरसन अश्विन के तस्वीर को उनके आईपीएल में किए व्यवहार की वजह से कतर रहे हैं। एंडरसन ने ऐसा क्यों किया? दरअसल किंग्स इलेवन पंजाब के कप्तान रविचंद्रन अश्विन ने राजस्थान रॉयल्स के बल्लेबाज जोस बटलर को मांकड़िंग कर आउट कर दिया था, जिसके बाद से यह मामला शांत होते नहीं दिख रहा है और अब एंडरसन के इस हरकत से ये मामला फिर से सुर्खियों में आ गया है। मांकड़िंग विवाद के चलते एंडरसन ने अपनी नाराजगी जाहिर करने के लिए एक बेहद बेहुदा तरीका अपनाया है और अश्विन के फोटो को कतर दिया। इस हरकत की चारों ओर खूब आलोचनाएं हो रही है। फैंस उनके इस हरकत से बेहद नाराज दिखे। अश्विन के विरोध में इंग्लैंड के स्टार खिलाड़ी एंडरसन ने जो किया है वो बेहद ही शर्मनाक है। क्या है मांकड़िंग विवाद? राजस्थान रॉयल्स और किंग्स इलेवन पंजाब के बीच 25 मार्च को आईपीएल मैच हुआ था, जिसमें खेल के दौरान एक हैरान करने वाला वाकया हुआ। पंजाब के कप्तान और गेंदबाज अश्विन ने बिना गेंद फेंके ही नॉन स्ट्राइकिंग छोर पर खड़े जोस बटलर को रन आउट कर मांकड़िंग विवाद को हवा दे दी थी। राजस्थान के कोच का जवाब। जब अश्विन ने बटलर को रन आउट किया था तो उस वक्त मैदान पर उन दोनों के बीच काफी बहस भी हुई थी। हालांकि अंपायर के नियमों के मुताबिक बटलर को आउट करार दे दिया था। मैच गंवाने के बाद राजस्थान के हेड कोच पैडी अपटन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि अश्विन ने जो कुछ भी किया है वो उनको दर्शाता है। उन्होंने कहा कि हम अश्विन को जज करने का काम क्रिकेट की दुनिया और आईपीएल फैंस पर छोड़ते हैं। इसके बाद दिग्गज खिलाड़ियों समेत क्रिकेट कानूनों का संरक्षक माने जाने वाले मेलबोर्न क्रिकेट क्लब एमसीसी ने अश्विन के इस हरकत को खेल भावना के खिलाफ बताया था। एमसीसी ने कहा कि मामले की समीक्षा करने के बाद हमें नहीं लगता कि यह खेल भावना के तहत था। हमारा मानना है कि अश्विन ने क्रीज पर पहुंचने और ठहराव के बीच ज़्यादा समय लिया था। ऐसे में बल्लेबाज उम्मीद करता है कि गेंद फेंक दी गई है। बटलर ने ऐसा ही सोचा कि गेंद फेंक दी गई है और वो अपने क्षेत्र में था। खैर, एमसीसी ने इससे पहले बटलर को रनआउट करने के तरीके पर भारतीय खिलाड़ी का समर्थन किया था, लेकिन एक दिन बाद उसने मामले में अपना रुख बदल लिया था। मांकड़िंग की घटना के बाद कुछ खिलाड़ी अश्विन के समर्थन में आए तो कुछ खिलाड़ियों ने उनकी आलोचना की। पूर्व ऑस्ट्रेलियाई दिग्गज मिचेल जॉनसन ने अश्विन का समर्थन किया। जॉनसन ने ट्विटर पर लिखा कि मांकड़िंग कोई धोखेबाजी नहीं है और ना ही खेल भावना के विपरीत है। मैं अगर ऐसा करूंगा तो बल्लेबाज को चेतावनी दूंगा, लेकिन बल्लेबाज को भी क्रीज के भीतर ही रहना चाहिए। यह टेनिस में अंडर आर्म सर्विस की तरह है। वहीं पूर्व भारतीय क्रिकेटर मदन लाल ने कहा कि अश्विन को इससे बचना चाहिए था। उन्होंने कहा कि अश्विन के स्तर और अंतर्राष्ट्रीय करियर को देखते हुए मुझे नहीं लगता कि उन्होंने सही किया है। वो बहुत बड़े खिलाड़ी हैं और ऐसी हरकत काफ़ी छोटी चीज़ है। बटलर की जगह अगर विराट कोहली या कोई अन्य भारतीय खिलाड़ी होता तो उसकी काफ़ी आलोचना होती। ऐसी हरकत खेल का हिस्सा नहीं है। अश्विन अपनी जगह सही है, लेकिन उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। आपको बता दें कि अश्विन की आलोचना करने में इंग्लैंड के वर्तमान खिलाड़ियों ने कोई कसर नहीं छोड़ी। इंग्लिश कप्तान एओन मोग्रेन ने कहा कि अश्विन ने युवा पीढ़ी के सामने गलत मिसाल पेश किया है। उन्होंने लिखा कि जो मैंने देखा उस पर भरोसा नहीं हो रहा है। युवा खिलाड़ियों के लिए गलत मिसाल कायम की गई। अश्विन को इस पर ज़रूर खेद होगा। इंग्लैंड के बल्लेबाज जेसन राय ने कहा कि अश्विन का यह स्तंभ करने वाला बर्ताव था, बहुत निराशाजनक। क्या होती है मांकड़िंग? विनू माकड़ के नाम पर इसे मांकड़िंग कहा जाता है क्योंकि उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 1947 में सबसे पहला इसका इस्तेमाल किया था। मैच में दूसरे छोर पर खड़ा बल्लेबाज अगर गेंदबाज के हाथ से गेंद छूटने से पहले क्रीज से बाहर निकल जाए तो उसे रनआउट करने को मांकड़िंग कहते हैं। भारतीयों में कपिल देव ने दक्षिण अफ्रीका के पीटर कस्टन को 1992 और 93 की सीरीज के दौरान मांकड़िंग से आउट किया था। वहीं घरेलू क्रिकेट में स्पिनर मुरली कार्तिक ने बंगाल के संदीपन दास को रणजी ट्रॉफी मैच में इसी तरह से आउट किया था।
रविचंद्रन अश्विन ने जो हरकत की थी उस पर भारतीय फैंस और क्रिकेटरों की राय बटी दिखी थी। कोई उनकी आलोचना कर रहा था तो वहीं दूसरा धड़ा उनके साथ खड़ा दिखा। लेकिन जेम्स एंडरसन ने इस मामले को लेकर जो हरकत की है वो बेहद ही शर्मनाक है। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे Facebook पेज को लाइक करें, फॉलो करें। शुक्रिया।